थैंक यू रूपाली दीदी, थैंक यू आप सबका, और थैंक यू बाबा का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम उनको समझ सके। दुनिया की सबसे सुंदर चीज पूरे कल्प में एक ही बार संगम में हमारे सामने आती है, और बाबा कहते हैं ना, बड़ा नशा चढ़ता है सोच करके। बाबा कहते हैं दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और हमें मिल गया। मिल तो गया, लेकिन मिलन मिलन हो पाना एक अलग ही विषय है। मिल तो गया, देखिए आज जब दो दोस्त मिलते हैं कई समय के बाद में, एक जगह पर पहुंचते हैं और एक दो से मिलते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत समय के बाद मिले होते हैं, तो जब आखिरी बार मिले होते हैं उसके बाद में जब इस बार मिलते हैं तो दोनों ही बहुत बदल गए होते हैं, है ना। उसके जीवन में क्या हो गया, उसके जीवन में क्या हो गया। तो जब मिलते तो है, एक ही जगह पर आते हैं, टाइम भी सेट करते हैं, लेट्स गो फॉर अ कॉफी, जगह भी सेट करते हैं, एक जगह पर एक समय पे पहुंचते भी हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में जो बचपन की बॉन्डिंग थी, जो बचपन की बात थी, एक दूसरे के प्रति जो समझ थी, एक दूसरे के प्रति जो भाव था, और एक दूसरे के प्रति जो स्पेस थी, जगह थी, वो बदल जाने के कारण, या उस स्पेस में अनेक अनेक आत्माओं क्या है, परिस्थितियों के, बातों के आ जाने के कारण, अब वो मिलते तो है लेकिन मिलन नहीं बनता। फिजिकली साथ तो आ जाते हैं, लेकिन मेंटली दोनों अलग अलग स्पेस में होने के कारण मिलन का सुख नहीं ले पाते। तो इसलिए बाबा तो हमें मिल गए, लेकिन अब उनसे हम मिलन मनाएं। मिलन मनाने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बन करके बाबा से मिलन मनाओ, बिना बाप समान बने मिलन नहीं मना सकते। तो ये जो मिलन की यात्रा जिसमें हम बाबा से मिलेंगे, बाबा को समझेंगे, और भले फिजिकली बाबा हमारे साथ में ना भी हो, लेकिन सूक्ष्म में उस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में हम बाबा से मिल करके एक सुनहरा मिलन मनाएं, उसके लिए हमें सेशंस कर रहे हैं। क्योंकि बाप समान बन कर ही बाबा से मिलन मनाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। चाहे बाबा सामने बैठा हो, देखा है हमने कई अज्ञानी बाप दादा मिलन में चाहते हैं, सामने बैठे होते हैं, भगवान बैठा है, उनको रियलाइजेशन ही नहीं है, नहीं होने के कारण भगवान बैठा है सर्व प्राप्तियों का सागर, जो चाहिए वो अनुभव करा सकता है, लेकिन कुछ अनुभव नहीं होता, क्योंकि जो मिलन है इस मिलन के लिए सेम प्लेन पर आना होता है। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे बाबा को जानने से, समझने से, उनको कंपेनियन बनाने से हम उनके मन बुद्धि को डिकोड कर सकते हैं। जैसे जैसे उनको डिकोड करेंगे, तो डिकोड करने के कारण वो जहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस प्लेन पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस प्लेन पर हम पहुंच पाएंगे, और पहुंच करके उस मंगल मिलन की, जो अतिंद्रिय सुख की जिसकी प्यास पूरे कल्प में रही है, उस प्यास को हम खत्म कर पाएंगे, भरपूर कर पाएंगे। तो उस सेशन के लिए आज का हमारा, इसी के लिए हमारी आज की विधि रहेगी, बाबा को एज अ मैथमेटिशियन समझना। सुनने में थोड़ा सा लग सकता है क्या बात कर रहे हैं दीदी, भगवान को मैथ्स के रूप में देखना, समझना, और प्लस क्या मैथ्स समझ में भी आएगी, नहीं आएगी। कोशिश करते हैं आज के सेशन में बाबा को एक मैथमेटिशियन के रूप में समझने के। तो बाबा विजुअलाइज कर सकते हैं, हम सब बैठे हैं एक बीच साइड पे, और बीच पे हमें एक इंसान दिखता है जो बस बीच को, सी को, ओशन को देखे जा रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ देख रहा है। हम चाहते हैं कि हम जाकर के उनसे बात करें, उनसे दो बातें समझें, शेयर करें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं, लेकिन ये जो भाई दिख रहा है उसे साइलेंस बहुत प्यारा है, मुख से कुछ बोलना नहीं चाहता है, हमें देखता है, सी को देखता है, हवाओं को देखता है,
आते जाते लोगों को देख रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे इंसान को हम कैसे समझें जिसके मुख से शब्द निकलते ही नहीं है, और अगर निकलते भी हैं तो पजल के रूप में निकलते हैं, सिंपल होते नहीं। तो ऐसे इंसान के साथ सपोज करो हमारा रिलेशनशिप हो जाए तो हम उसे कैसे समझेंगे? ऑब्जर्व करके, ओके वेरी गुड, तो हमें चलो देख करके ऐसे इंसान का सबसे पहली बात सभी को मुबारक हो, हमारी बुद्धि ने ऐसे व्यक्ति को विजुअलाइज किया। अब उस व्यक्ति की प्रकृति में देखिए शिव बाबा चमक रहा है, हमारा शिव बाबा भी ऐसा ही है। मुरली सुनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनकी भाषा बहुत विचित्र है ना? पढ़ते हैं, ऐसा हमारे कभी कभी ग्रुप्स में डिस्कशंस भी होते हैं, पढ़ते हैं मुरली लगता है हिंदी में है लेकिन समझ नहीं आती है, लगता है इंग्लिश में है समझ नहीं आती है। या फिर देखते हैं हम बाबा की बातों को, बाबा को दूसरों के साथ एडवाइस देने पर लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे बाबा को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। इन दो तरीकों को हम आने वाले समय के नेक्स्ट सेशन और आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। पहला तरीका वो जब हम देखें परमात्मा ने, चलो परमात्मा हमें समझ नहीं आ रहा, तो परमात्मा को ना समझकर चलिए हम परमात्मा की रचना को समझते हैं। परमात्मा की रचना कैसी दिखती है, शायद उसको समझ करके उस रचनागर या उस रचयिता को हम समझ पाए। तो भगवान एज अ मैथमेटिशियन, इसका आधार, रचना को समझने का आधार आज के समय में हमारे पास में विज्ञान है, साइंस है। लेकिन हम जब साइंस बोलते हैं तो दिमाग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, साइंस ये साइंस वो, लंबे लंबे फॉर्मूलाज, लंबे लंबे एक्सपेरिमेंट्स, कितनी सारी बातें देखकर ही हम भारी हो जाते हैं। क्योंकि जो साइंस आज के सामने, आज के समय में जो साइंस कंडक्ट कर रहे हैं वो आत्माएं स्वयं ही भारी है, खुद भारी होने के कारण, उलझनों में उलझी होने के कारण, और एम ऑब्जेक्ट है पर शक्ति नहीं है या कुछ इतनी बेहद की समझ नहीं होने के कारण वो कर तो रहे हैं लेकिन साथ के साथ में उनके साथ में एक भारीपन है। तो आज हम उस भारीपन को हटाते हैं, हम समझते हैं साइंस क्या है, एक्चुअल में साइंस का आधार हम क्यों ले रहे हैं। क्योंकि साइंस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। हमारे दिमाग में इस बात को हम स्पष्ट करें, कुछ नहीं है साइंस, सिर्फ पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जैसे कि जब हमारी दादियां थी या जब हमारे बाबा थे साकार में, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या था? भक्ति मार्ग। आज हमारे सामने ये पिक्चर है, हम सोचें कि इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, किस चीज का डिपिक्शन है ये पिक्चर। देखिए ये जब भक्ति मार्ग को हम देखें तो भक्ति मार्ग में कई सारी चीजों को यूज करके एक पॉइंट को प्रूव करने की या एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की गई है। अब अगर आज के समय में हम अपने आप को देखें तो हमें कितना भक्ति मार्ग पता है, कितनी भक्ति हमने करी है बताइए, कितने वेद पुराण शास्त्र, कितने सारे जो आज के बाबा ने बताया ना भक्ति मार्ग की सामग्रियां हैं, हमने कितनी समझी है, कितनी पढ़ी है, हमें नहीं पता। अब अगर हमें कोई इस पिक्चर में ये बोल देगा कि हाँ भाई ये सागर मंथन हुआ था, देवता जीत गए थे, असुर हार गए थे, इसका मतलब है अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होती है, अगर कोई हमें ये बता देगा हम बोलेंगे हाँ जी एकदम सही कह रहे हो, एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि ना हमें पता है उस टर्टल का क्या पर्पस है, ना पता है उस पहाड़ का क्या पर्पस है, ना पता है कि उस स्नेक का क्या पर्पस है। उस गहराई को नहीं समझने के कारण हमें जो जो बोलेगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आज के समय में गहराई अवेलेबल कहाँ है? साइंस में। तो जिस तरह से जब बाबा थे, जब बाप दादा साकार में आते थे और जब हमारी दादियां थी, उस समय साइंस का इतना विस्तार नहीं था लेकिन भक्ति का विस्तार था, और भक्ति के आधार से उस समय में शिव बाबा ने बच्चों को ज्ञान सिखाया, क्योंकि बिना कॉन्ट्रास्ट के, बिना पॉइंट ऑफ रेफरेंस के कोई बात समझाई नहीं जा सकती। आज के समय में हम भक्ति की जगह पे साइंस यूज कर रहे हैं, बस दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है।
हमारा साइंस से ना तो कुछ प्यार है ना कुछ है, लेकिन क्योंकि आज साइंस का इतना विस्तार है जिसके कारण हम साइंस को यूज करके, और क्योंकि साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, कितनी बातें हो रही है, उसको समझ करके हम बाबा की रचना को समझ पाए, इसलिए हमने ये सब्जेक्ट चूज किया है। तो सबसे पहली चीज, साइंस क्या है? एक बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर रिचर्ड फेयरमैन। इनके इन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी है। आज हम साइंस के जगत को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ये भाई क्या कहते हैं साइंस के बारे में कि अगर कोई कहता है कि कोई भी चीज साइंटिफिकली की गई है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि उसको थॉरली किया गया है, उसको बहुत ढंग से किया गया है, तब हम कहते हैं कि वो साइंटिफिकली की गई है। दूसरी चीज वो बोलते हैं कि साइंस में जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ऑब्जर्वेशन के आधार से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके आधार से समझा जाता है कि समथिंग कुछ है या नहीं है। अगर नहीं दिख रहा है तो मान लेते नहीं है, क्योंकि अगर है, प्रमाण है तो दिखाइए, प्रूफ है तो दिखाइए। तो ये चीज साइंस को अंधश्रद्धा से अलग करती है, ब्लाइंड फेथ से अलग करती है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो साइंस की माध्यम से हमें पता चलती है कि अगर किसी भी नियम का कोई एक्सेप्शन है, अगर किसी भी नियम का कोई एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन इंश्योर करता है कि हम उस रूल को कंप्लीट ना माने। ओके? अगर किसी भी बात का कोई एक्सेप्शन है, जैसे हमारे ज्ञान मार्ग में हम देखते हैं, बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर आप शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो सामने वाले का कल्याण होना ही है। अब जब हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इसे अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, हम शुभ भावना शुभकामना रखे जा रहे और देख रहे हैं कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो साइंस इसको बोलेगा ये सिद्धांत गलत है, या तो आपकी अप्रोच गलत है, या तो आप जो बाबा कह रहे हैं उसको नहीं कर पा रहे हो, या तो जो आप कर रहे हो वो प्रूव कर रहा है कि जो बाबा कह रहे हैं वो गलत है। तो एक्सेप्शन, किसी भी रूल का एक्सेप्शन इंश्योर करता है कि हमें उस रूल का आदि मध्य अंत संपूर्ण रीति समझ में आ पाए। अगर वो रूल कहीं पर भी डिसोबे हो रहा है, कहीं पर भी वो रूल कायम नहीं हो रहा है, तो उसे उस रूल को हम नहीं मानते। चौथी बात, साइंस में शब्द जो है वो मीनिंगलेस है, उनका कोई मतलब नहीं है जब तक कि उन शब्दों के द्वारा कोई कंफ्यूजन ड्रॉ नहीं हो रहा। जैसे कि आज हम बोले बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, बाबा हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं, बाबा हमारे हजार भुजाओं के साथ हमारे साथ हैं, बाबा हमारी बैकबोन है। अब ये सारे जो शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ क्या है? क्या मतलब है मास्टर सर्वशक्तिवान बनना? क्या मतलब है बैकबोन बनना, बाबा हमारी बैकबोन है? क्या मतलब है त्रिकालदर्शी बनना? ये सिर्फ शब्द है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। जब तक कि इन शब्दों को एक मीनिंगफुल वे में, एक्सपेरिमेंटल वे में ट्रेस बैक नहीं किया है, यूज नहीं किया है, तब तक ये शब्द मीनिंगलेस है। तो शब्द को वैल्यू कंक्लूजन देता है, ये साइंस की अप्रोच है। और सबसे आखिरी बात, बहुत अच्छी बात, कि ये सब कुछ ऑब्जेक्टिविटी पर निर्धारित है। क्योंकि देखिए, आज अगर मैंने कहा बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है और सामने से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते हुए मैंने देखा, पर मैं अपने आप को कह रही हूँ नहीं ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे अंदर तो स्टेबिलिटी है नहीं, मेरे अंदर तो शांति है नहीं, और मेरे अंदर ये ड्रामा कल्याणकारी वाली बात फिट नहीं हो रही है, लेकिन मैं ऊपर से बोल रही हूँ कि ड्रामा कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि आई एम अटैच्ड, क्योंकि मेरा अटैचमेंट है उस दर्द से, उस दुख से, जिसके कारण मैं ड्रामा कल्याणकारी शब्दों को अपने जीवन में धारण नहीं कर पा रही, राइट? और नहीं कर पाने के कारण वो सिर्फ शब्द बने हुए, मेरी बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और एक्सेप्ट नहीं करने के कारण, वहां अटैचमेंट होने के कारण, ये कंप्लीट चीज ऑब्जेक्टिव नहीं रही है, सब्जेक्टिव हो गई है। पर सबसे पहली बात जो साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साक्षी होकर के हर एक चीज को एनालाइज करना, ऑब्जेक्टिव होकर के एनालाइज करना, सब्जेक्टिव वे में नहीं करना, उससे अटैच होकर नहीं करना। इसलिए यहाँ पर जो भी बात कुछ बोले, किसी ने बोला कि मैंने परसों बाबा
वो भोग लगाया था, और जब मैंने भोग लगाया तो मैंने ये संकल्प किया और आज वो संकल्प सिद्ध हो गया। अब ये जो बोल रहा है वो आत्मा आज ही ज्ञान में आई है या फिर एक महीने पहले ही ज्ञान में आई है, और हम हमारे अहंकार से हमारी पोजिशन से अटैच्ड है। तो हम बोलते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो एक्सेप्शन है, ऐसा कभी हो जाता है, या ये अंधश्रद्धा है एंड ऑल दैट। लेकिन एक अगर पक्का साइंटिस्ट होगा वो उस थ्योरी को जरूर टेस्ट करेगा, वो करके देखेगा, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, क्या पता ये जो कह रहे हैं सही है। क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके कंक्लूजन या इसकी थ्योरी कौन दे रहा है, वहां पर कोई नाम मानशान उससे अटैच नहीं है। तो जब हम साइंटिफिक वे में बाबा के ज्ञान को समझते हैं तो हम थोरो स्टडी करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हर पल देखते रहते हैं कि कहीं इस नियम का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं इस नियम का कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। फिर हम सिर्फ शब्दों पे नहीं जा करके उन शब्दों की गहराई में जाते हैं, और गहराई में जाने के लिए हम हर एक व्यक्ति के ओपिनियन को समझते हैं, किसी को भी अनदेखा नहीं करते बेस्ड ऑन के वो आज आया है ज्ञान में या कल आया। ओके, तो ये होता है साइंटिफिक अप्रोच। अब जब हम साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू ज्ञान को समझते हैं तो उसी बेसिस पर अभी तक मुझे नॉलेज में दो चीजें समझ में आई है। जब साइंस के माध्यम से बाबा को समझते हैं या बाबा की बुद्धि को समझते हैं तो दो बातें स्पष्ट होती है। पहली बातें साइंस के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करते हैं जो हम देखेंगे, और दूसरी तरह कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो ना कि सिर्फ स्पष्ट करते हैं पर उन्हें अत्यधिक गहराई में लेके जाते हैं, ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहां तक अभी तक हम नहीं पहुंचे थे। लेकिन क्योंकि साइंस वहां तक पहुंची है, हम वहां तक पहुंच करके बाबा की बातों को उस लेवल पर समझ पाते हैं। तो पहले की कुछ बातें, आई होप अभी तक सबको सब कुछ क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए इन सब बातों को क्लियरली समझना इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के पास में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर चैट पे लिखते जाइए, मैं साथ के साथ क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। ओके, लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव, बहुत जरूरी है क्योंकि एकदम नया टॉपिक है ना, जरूरी नहीं है हम सब ने इसको अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो। तो सबसे पहला इसका अध्याय जो है क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, जहां पर जो बाबा ने कहा उस नॉलेज को एज इट इज साइंस कैसे स्पष्ट कर रहा है, कैसे उनकी रचना इस बात को स्पष्ट कर रही है जो बाबा रोज एक ना एक नियम सिद्धांत हमें बताते जा रहे हैं। उसमें पहली चीज है, एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई है द फील्ड। आप इस मैं बुक्स का रेफरेंस इसलिए देती हूँ ताकि आप भी जाकर के इन बुक्स को पढ़ करके समझ सकें। इस बुक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो विश्व भर में हुए हैं, जहां पर यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक विचित्र तरह का फोर्स ऑब्जर्व करा जा रहा है और उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और उसे समझा जा रहा है, वो ऐसी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऐसे कई सारे सिद्धांत इस बुक में मेंशन्ड है। इस बुक की कुछ बातें हम लेंगे। इस बुक में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट का नाम है, जिनका नाम है फ्रिट्ज अल्बर्ट पॉप। आप यूएस के ही, वैसे है जर्मन लेकिन यूएस में बहुत सारी सेवाएं उन्होंने दी है। फ्रिट्ज अल्बर्ट पॉप ने एक बहुत ही सुंदर काम 1974 में किया, जिसका नाम था बायो फोटोन। फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है, जैसे आपको इस चेहरे पे लाइट दिख रही है, अभी जो लाइट है या हमें जहां पर भी लाइट दिखती है, ये लाइट हम तक पहुंचाने के लिए जो पार्टिकल्स, जो पैकेट्स काम में आते हैं, उनको फोटोन कहते हैं। सिंपल, ठीक है। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल, पानी का स्वाद, पानी की ठंडक, पानी का अनुभव देने में हमें मदद करता है या हमें देता है, उसका अनुभव कैरियर है, वैसे फोटोन लाइट को कैरी करते हैं। तो अभी इस हाथ के ऊपर देख रहे हैं, अगर आप इस हाथ के ऊपर कई तरह के फोटॉन्स, कई सारे फोटॉन्स आकर के स्ट्राइक कर रहे हैं और इसलिए यहाँ पर लाइट नजर आ रही है, सिर्फ इसी को फोटॉन कहा जाता है। अब इसी में भी स्पेशलाइज्ड फोटॉन, एक डिफरेंट तरह की फोटॉन, जिसको बायो फोटॉन फ्रिट्ज अल्बर्ट पॉप ने नाम दिया। अब इसमें क्या हुआ, बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट चल रहा। इन भाई ने क्या किया,
कि ये भाई बहुत सारी स्टडीज करते थे, बहुत सारी पढ़ाई करते थे। करते करते इनके पास में एक दिन एक बहुत विचित्र केस आया। इन्होंने देखा कि इनके कमरे में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, कंप्लीट एकदम पिच डार्क हो गया था। और पिच डार्क में इनके पास में एक पत्ता लीफ वहां पर रखा हुआ था, और बाय चांस जहां पर पत्ता रखा हुआ था वहां पर इनका एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म लाइट को कैप्चर कर सके, वो भी वहां पे रखा हुआ था। तो जब और वो काम कर रहा था, तो ठीक है, जैसे ही लाइट गुम हो चुकी थी, एकदम पिच डार्क था, ये काम हुआ कुछ हो रहा था वहां पे, इसको पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही लाइट आई, इनके सारे सिस्टम्स ने काम करना शुरू किया, ये कंप्यूटर पे जाके बैठे, देखा इन्होंने इनके पास बहुत सुंदर सुंदर फोटोज आई है। और वो फोटो ये थी कि ये जो आपको लेफ्ट में लीफ दिख रही है, ये लाइट में जो पूरी कंप्लीट लाइट है कमरे के अंदर, तो ये ऐसी दिखती है। और जब डार्क हो गया था, पूरा कमरा अंधेरा था, उसमें कोई भी उजाला नहीं था, एकमात्र उजाला नहीं था, वहां कोई फोटो ऑन नहीं था, तब उस समय में पिच डार्क में वो लीफ ऐसी दिखती है। अब आप बताइए उस लीफ में ये उजाला कहां से आया? हम क्या कहते हैं, पत्ते तो सूरज से आ रही जो प्रकाश है उसको जब रिफ्लेक्ट करते हैं वही लाइट है, उसके अंदर तो खुद के अंदर तो कोई लाइट होती नहीं है। तो ये लाइट जो कि इतनी सुंदर है, देखिए फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर की ये लाइट है, कहां से ये लाइट आ रही है जबकि इसके ऊपर कोई भी तरह का प्रकाश नहीं गिर रहा है? इसका मतलब इसके खुद के अंदर प्रकाश है, राइट? जिस प्रकाश के पार्टिकल को फोटोन, बायो फोटोन कहा जाता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट बायो फोटॉन्स इस पूरी बॉडी को सदा चमकाते रहते हैं, हमारे अंदर से हमेशा लाइट निकल रही है। और ये साइंस ने एक्सपेरिमेंट करके विद प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स समझ लिया। तो यहाँ देखेंगे आप कुछ पत्ते हैं, हाथ है, पिच डार्क में भी हम में से हर पल लाइट निकल रही है, हर एक मॉलिक्यूल लाइट एमिट कर रहा है। इसके लिए इस भाई ने नाम ही रख दिया कि ह्यूमन बीइंग्स कुछ नहीं है, दे आर बीइंग्स ऑफ लाइट, उनके अंदर बहुत लाइट, हमारा डीएनए उसके अंदर लाइट है, शरीर के एक एक मॉलिक्यूल में लाइट है। जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने आप को लाइट देखो, ये अंधश्रद्धा नहीं है। आई एम सॉरी, थोड़ा मेरा कैमरा आज विशेष विचित्र स्वभाव दिखा रहा है, तो इसके लिए मुझे माफ करें, लेकिन लेट्स बी इन द फ्लो। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से बच्चे हर पल लाइट निकल रही है, उस लाइट को विजुअलाइज करो, उस लाइट को देखो। तो बाबा ये अंधश्रद्धा के रूप में हमें नहीं कहते हैं कि बच्चे सोचो, नहीं, सच नहीं है ये, बिल्कुल सच नहीं है कि हमारे में से लाइट निकल रही है, लेकिन तुम बस देखो मनगढ़ंत कहानियां। बाबा मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहे हैं, बाबा वो देख पा रहे हैं जो हमारी ये दो आंखें नहीं देख सकती। और अगर हमारी ये दो आंखें नहीं देख सकती, जो बातें मैं परसीव नहीं कर पा रही हूं, वो सत्य बाबा हमारे सामने प्रत्यक्ष करते हैं। और इसी आधार पर हम दावे से कह सकते हैं, ये तो एक है, आगे बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन उसी आधार पे हम दावे से कह सकते हैं जो बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में कहा है, बच्चे एक दिन आएगा साइंटिस्ट आत्माएं आपके मधुबन आएंगी, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगी और इस बात को सिद्ध कर पाएंगी कि आपने जो जीवन जिया है, आप जो जीवन जी रहे हैं, वही क्वालिटी नंबर वन जीवन है, क्योंकि बाबा की बताई हर एक बात परम सत्य है। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। इसके अंदर उस भाई ने ये बात भी बहुत अच्छे से बताई कि अगर उन्होंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, कैंसर पेशेंट्स वालों को उन्होंने उस पिच डार्क चेंबर में ले जाकर के, जहां पे कोई भी लाइट अलाउड नहीं है और सिर्फ उनका एक इंस्ट्रूमेंट रखा है जो सिर्फ सडन लाइट को कैच करता है, वहां पर उन्होंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को जाकर के रखा और देखा जिन जिन ऑर्गन में उनको कैंसर था वहां पर इन बायो फोटॉन्स का इम्बैलेंस था। स्पेशली कैंसर में उस जगह पर जितनी लाइट निकलनी चाहिए, नॉर्मल इंसान में से जितनी लाइट निकल रही थी, उससे कई ज्यादा लाइट निकल रही थी। तो जब हम कहते हैं बच्चे इसको सकाश दो,
बच्चेस को बैलेंस करो, तो एक्चुअल में उस विधि से हम उस ऑर्गन में इम्बैलेंस्ड बायो फोटॉन्स को बैलेंस करते हैं. राइट, इंटरेस्टिंग. किसी भी चीज का जब प्रूफ मिलता है तो बहुत खुशी होती है ना. तो ये पहला एग्जाम्पल इस बुक के अंदर था. दूसरा एग्जाम्पल, ये भाई का नाम है जैक्विस बेनविस्टे. ये भाई बहुत ही अपराइट अपटाइट भाई था, बहुत ही ज्यादा घमंडी, बहुत ही ज्यादा, मतलब इनको पूरी दुनिया जानती थी उस समय में. फ्रेंच भाई है ये, पूरा फ्रांस इनको जानता था, इनके एक्सपेरिमेंट्स को जानता था, बहुत ही ज्यादा ये रिनाउंड पर्सन थे. अब एक बार क्या हुआ, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये एक एंटीबॉडी के साथ में, मतलब कि हमारे ब्लड में जब कोई डिजीज हो जाती है तो क्या होता है, एक एलर्जी क्रिएट करने वाला मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में चला गया, अभी हमारी बॉडी से लड़ाई कर रही है. तो उस एलर्जी का हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसके साथ में इंट्रैक्शन कैसा हो रहा है, वो एलर्जिक पार्टिकल क्या कर रहा है, इसके ऊपर ये ड्रग डिजाइन कर रहे थे, एलोपैथी ड्रग डिजाइन कर रहे थे. तो इनके एक बहुत ही विचित्र पर बहुत ही स्टूडियस और बहुत ही सिंसियर असिस्टेंट ने क्या किया, गलती से एक ऐसा वो बना दिया, सोल्यूशन बना दिया, जिस सोल्यूशन के अंदर वो ड्रग, जिस ड्रग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं थी, 1% भी नहीं थी. और वो ड्रग जिस वो जो सोल्यूशन जिसके अंदर ड्रग नहीं था, वो सोल्यूशन भी WBC जो सेल्स थी उनको हेल्प कर रहा था जिस वे में उस ड्रग को, उस सेल को हेल्प करना चाहिए था. ओके, मतलब कि WBC एक, मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वॉरियर्स हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, जिसको हम WBC कहते हैं. वो सोल्जर क्या करते हैं, जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी तरह के कीटाणु, कोई भी तरह की एलर्जी के मॉलिक्यूल्स जो शरीर को हार्म कर सकते हैं, जो शरीर को परेशान कर सकते हैं, उसके साथ में लड़ाई करते हैं और लड़ाई करके उनको खत्म करते हैं, ताकि वो जीत जाए और हमारा शरीर ठीक हो जाए और हमारे शरीर के ऊपर कोई पीड़ा नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए. ये WBCs का काम होता है. तो उसमें से एक जो घुसपैठी या एक जो आतंकवादी था, वो एलर्जन जो शरीर के ऊपर WBC जो हमारे सोल्जर्स के साथ में लड़ाई कर रहा था, अब इस लड़ाई को करते हुए हम चाहते थे कि हम हमारे जो सोल्जर्स है उनको एक्स्ट्रा कुछ हेल्प करें, उनको थोड़े हथियार और दे दें, उनको बुलेट्स दे दें, उनको अच्छी सी एक पावर्स दे दें, जिससे कि वो इन इन घुसपैठियों, इन आतंकवादियों के से साथ जो उनकी लड़ाई है उससे वो जीत जाए. ठीक है, तो ये करने के लिए वो क्या कर रहे थे, अनेकानेक ड्रग्स को तैयार कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि कब हमारी WBC हमारे सोल्जर्स को कब कौन सा हथियार मिल जाए जिसके कारण वो ये जंग जीत जाए. लेकिन क्या हुआ, गलती से इनकी जो हेल्पर थी, इनकी जो असिस्टेंट थी, उन्होंने WBC को एक ऐसा हथियार दे दिया जो हथियार में जो ये ड्रग टेस्ट कर रहे थे उस ड्रग का नामो निशान नहीं था, एक भी ड्रग का मॉलिक्यूल उस हथियार में था ही नहीं. और वो हथियार इतना अच्छे से काम कर रहा था कि ये भाई तो आश्चर्यचकित रह गए कि जब इसके अंदर एक भी मॉलिक्यूल उस ड्रग का है ही नहीं, तो ये ड्रग लेस वाटर, पानी, ये ड्रग लेस वाटर कैसे इन एलर्जी, इन घुसपैठियों को, इन आतंकवादियों को मारने में सक्षम हो रही है जबकि इसके अंदर कुछ नहीं है. मान लीजिए सिर्फ पानी दे दिया, अब पानी के अंदर तो कुछ है नहीं, पानी तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी 70% है. ऐसा होता तो हमारी बॉडी के अंदर वो एलर्जी, एलर्जन आकर के कोई परेशानी करनी नहीं चाहिए थी. तो फिर अभी ऐसा कैसे हो रहा है कि सिर्फ पानी दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं. तभी भी वो व्हाइट ब्लड सेल्स, वो वॉरियर्स उन आतंकवादियों से बहुत अच्छे से लड़ पा रहे हैं. तब इनको पता चला कि हमारी जो होम्योपैथिक ड्रग्स होती है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके समझे कि वो कितनी पोटेंट होती है, किस तरह से कि जो होम्योपैथिक ड्रग्स बनती है या ये जो ड्रग बनती है उसमें क्या किया जाता है, उस ड्रग को पानी के साथ में मिक्स किया जाता है और मिक्स करके उसको बहुत घुमाया जाता है, बहुत जोर जोर से, जोर से जैसे वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं ना, वैसे जोर जोर से घुमाया जाता है. और बहुत घुमा घुमा कर मान लीजिए आप 10 के साथ 60 जीरो लगा दो, आप इतने वाटर मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ड्रग का होता है और वो एक मॉलिक्यूल
जब हम इसको घुमाते हैं इतनी जोरों से, 10 के सामने 60 जीरो लगाए हुए पानी के मॉलिक्यूल से जब इंटरैक्ट करता है घुमाने की प्रक्रिया के कारण, तो वो उस हर एक वाटर मॉलिक्यूल को चार्ज कर देता है। और अब उस पूरे, मतलब आप देख लीजिए एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स है, 10^60 मॉलिक्यूल्स है प्लस 1 जो उस ड्रग का है। अब उसमें से अगर वो प्लस 1 वाला ड्रग का मॉलिक्यूल भी मैं हटा दूं, तो भी वाटर बिकॉज ऑफ इट्स मेमोरी उस ड्रग से ज्यादा अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि अब वो पानी उस ड्रग की जो प्रॉपर्टी थी उससे चार्ज हो गया है, और ये चार्ज्ड पानी ही सारा काम कर देता है, ड्रग्स की जरूरत ही नहीं। तो आप देखोगे होम्योपैथिक ड्रग्स की तो छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं, और उनके अंदर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, लेकिन किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है? पानी की। तो पानी, इसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, वाटर मेमोरी के ऊपर इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर में इन्होंने बताया कि वाटर कितना अच्छे से चीजों को याद रखता है, वो जिसके साथ घुलता है उसकी आदतों को, उसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर धारण कर लेता है, और वो धारण की हुई प्रॉपर्टी, अब भले वो मॉलिक्यूल वहां हो भी नहीं, वो चीज हो भी नहीं, फिर भी उस धारण की हुई प्रॉपर्टी को यूज करते हुए वो सारे काम कर लेता है। तो इसको कहा जाता है वाटर मेमोरी। तो हम जो रोज पानी चार्ज करके पीते हैं, सोचिए कितना अच्छा काम हम करते हैं। जब हम उस पानी को हम बाबा की किरणों से चार्ज करते हैं, तो वो पानी बाबा की किरणों को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। एक्चुअल में ये प्रोसेस हो रहा होता है। तीसरी चीज हम जो इसमें नेक्स्ट जाते हैं वो है, जो हम दूसरा आचरण देख रहे थे, कि अब हम जो 2-3 एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम नॉलेज की डेप्थ में जाएंगे। अभी तक तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स ने नॉलेज को जस्टिफाई किया कि हाँ जो बाबा कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अब जो बाबा कह रहे हैं उसकी गहराई को हम इन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है? वेव्स फ्लाइंग क्लोज टू वॉटर, लहरे। ओके ओके, क्या किसी ने ये बात नोटिस करी कि ये जो पंछी है इसको एल्बेट्रॉस कहा जाता है, जितनी भी देर 30 सेकेंड आपके सामने उड़ा, इसने एक बार भी पंख को नहीं फड़काया, पंख को ऊपर नीचे नहीं किया। इसको कहा जाता है सोरिंग, सोर करना, फ्लोट करना। तो ये एल्बेट्रॉस बहुत ही ज्यादा माहिर है डायनामिक सोरिंग में, इसको डायनामिक सोरिंग कहा जाता है। ये एक्चुअल में इतना बड़ा है कि इसके पंख 11 फीट लंबे हैं। मान लीजिए आपके 2 डबल बेड साइड बाय साइड रखे हैं, सोचिए कितना बड़ा एल्बेट्रॉस यहाँ दिख रहा है। 11 फीट तक लंबे इसके पंख फैलते हैं, और इसका वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा, इतना भारी शरीर को बिना एक बार भी पंख फैलाए ये कितनी आसानी से समुद्र के ऊपर नीचे लहरों के साथ साथ उड़ रहा था बिना एक बार भी पंख फैलाए। मतलब कितना एफर्टलेसली ये एल्बेट्रॉस अपना काम कर रहा था, तो उड़ पा रहा था। तो इसके लिए क्यों ऐसा हो पाता है? मना कि एल्बेट्रॉस 500 से 600 माइल्स बिना अपने पंखों को फ्लैप किए उड़ सकता है। 500 से 600 माइल्स किसको कहते हैं? उड़ सकता है बिना एफर्ट डाले। कैसे? वो कि खुद की समझी हुई, खुद की पढ़ी हुई, इसको कोई पढ़ाता नहीं, इसका कोई गुरु नहीं है, इसका कोई टीचर नहीं है, स्व से लर्न करते हैं। इस टेक्निक को बोला जाता है डायनामिक सोरिंग। डायनामिक सोरिंग की क्या विशेषता होती है? ये सोरिंग, सोरिंग मना उड़ते रहना बिना पंख फैलाए, बिना पंखों को छटकाए उड़ते रहना, इसकी खासियत होती है कि ये जो सी के करंट्स हैं,
हवा जो समुद्र के ऊपर जो हवा बह रही है, अलग अलग एंगल्स जो ये लेता है, ग्रेविटी और जो अलग अलग दिशा ये पकड़ता है, उसके द्वारा ये सदा 500 से 600 माइल्स बिना पंखों को झटकाए उड़ता रहता है। ये काबिलियत, इसको कहा जाता है डायनामिक सोरिंग। तो इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि वो पंखों को नहीं झटका रहा है, पंखों को नहीं चला रहा है, तो वो एफर्टलेसली उड़ रहा है, और एफर्टलेसली उड़ रहा है तो उसको मेहनत नहीं लग रही है। अब जब मैं आत्मा बाबा के ज्ञान को यहाँ यूज करके हर एक परिस्थिति, हर एक बात, हर एक हवा का डायरेक्शन बदलना, हर एक बहुत बड़ी परिस्थिति आना, जब मैं उसको यूज करके अपनी उड़ान को भरने के लिए, अपनी उड़ान को कायम रखने के लिए यूज करती हूँ, तो मैं भी बिना मेहनत के आसानी से बहुत लंबा रास्ता या बहुत ऊंची उड़ती कला को पा सकती हूँ, जैसे कि ये एल्बेट्रॉस करता है। अब देखिए, समुद्र के ऊपर तो हर तरफ से लहरें आती हैं, हर तरफ से हवा बहती है, कभी तेज कभी धीरे, क्यों नहीं ये परेशान हो जाता, और प्लस इतना भारी शरीर नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको कला आती है डायनामिक सोरिंग, वही कला बाबा हमें सिखाते हैं। तो हमारा एल्बेट्रॉस उसमें क्या बन गया, विजय रत्न, राइट, हमारा एल्बेट्रॉस बना विजय रत्न। अब हमें इस एल्बेट्रॉस से सीखना है कला, डायनामिक सोरिंग की कला, जहां पर वो हर एक चीज को यूज करता है अपनी फ्लाइट को बनाए रखने में। उसको खुद को कोई मेहनत ही नहीं करनी, उसके पास जो आ रहा है उसको बस उसको परिवर्तन करके अपनी फ्लाइट को बनाए रखना और लंबे से लंबा रास्ता तय करने का काम हमें करना है, बस यही हमें उससे सीखना है, राइट। अनदर एग्जाम्पल है इसका, और एक और ज्ञान की गहराई का पॉइंट, इटर्निटी। हम इटर्निटी को समझते हैं कि जैसे शिव बाबा हमारा कौन है, इटर्नल है, ड्रामा के परे है, ड्रामा से ऊपर है, इसलिए सदा है, अविनाशी है, राइट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। सेकंड, हम इटर्निटी समझते हैं हमारे ड्रामा को, जो ये खेल सदा चलता रहता है, साइकिल के रूप में हमारा ये ड्रामा का खेल सदा चलता रहता है, राइट। लेकिन अब इस साइकिल को हम एक अलग तरीके से देखते हैं, जिसको कहा जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी साइक्लिक है, लेकिन इस साइकिल में अब दो लोब्स हैं। अब इन दो लोब्स को हम समझते हैं, इन दो लोब्स को इस तरह से समझा जा सकता है कि एक है ब्रह्मा का दिन और एक है ब्रह्मा की रात। ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बाबा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन्फिनिटी, जिसको मैथ्स में बहुत ऊंची बात बोली जाती है, साइंस में इन्फिनिटी को बहुत ऊंचा दिखाया जाता है, वो एक्चुअल में बाबा के किस ज्ञान को स्पष्ट करता है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब जो ब्रह्मा का दिन है उसमें बाबा क्या कहते हैं, तुम आत्माएं सदगति में होती हो, और ब्रह्मा की रात में बाबा क्या कहते हैं, तुम आत्माएं दुर्गति में होती है। अब सदगति और दुर्गति एक्चुअल में क्या होता है वो हम समझेंगे। सदगति होता है क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज मना कि जैसे घड़ी घूमती है उसी हिसाब से जब आत्माओं के मनोस्थिति का चक्कर घूमता है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और जब रात में आते हैं तो वही मनोस्थिति उल्टी हो जाने के कारण, जैसा कि हमने पुरानी क्लास में भी समझा था, संस्कारों का झाड़ एकदम उल्टा हो गया, वो झाड़ उल्टा होने के कारण मैं आत्मा दुर्गति में जो जाती हूँ उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इसको हम समझते हैं कि मुझ आत्मा के सात गुण होते हैं, राइट। अब इन सात गुणों से मैं आत्मा अपने शरीर को भी चलाती हूं, ये सात गुणों से जब मैं शरीर को चलाती हूं तो उनको सात चक्रा कहा जाता है, सेवन चक्रास। इस बुक में जो आपको टॉप लेफ्ट में दिख रही है, हैंड्स ऑफ लाइट, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी, इसके अंदर बताया है कि जब भी आपका चक्र, इसको मेजर किया जा सकता है पेंडुलम से, आप इस बुक को देखिएगा उसमें विस्तार है, जब इस चक्र को का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो वो आत्मा बैलेंस्ड है, तो वो आत्मा वो हर एक चीज ग्रहण कर रही है जो उसे ग्रहण करना चाहिए,
वो आत्मा इंट्यूटिव है, वो आत्मा समझदार है, वो आत्मा बैलेंस्ड है, वो आत्मा जानती है क्या करना है, कैसे करना है, कब क्या कहना है, कैसे रहना है, उसका शरीर भी बैलेंस्ड है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो वो आत्मा और उस आत्मा का शरीर बीमार है। और मैं आपको पर्सनल बताती हूँ, अपना पर्सनल अनुभव, कुछ जो आत्माओं के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये पेंडुलम लेकर के मैंने भी एक बार एक्सपेरिमेंट किया, मुझे लगा एक बार मैं भी ट्राई करूँ कि क्या होता है। तो जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे सामने जो सब्जेक्ट था, जो क्लाइंट था, उनके पास में एक ऑब्जेक्टिव था कि उनको स्वमान बुद्धि में फिराना है। आप विश्वास नहीं करोगे, जो उसका सेकेंड टॉप सेकेंड का जो चक्रा है, ये चक्रा इंडिगो चक्रा जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसके ऊपर जब पेंडुलम लगा और जब वो आत्मा स्वमान का अभ्यास कर रही थी, वो इतना जोर जोर से क्लॉकवाइज घूम रहा था कि बात मत पूछे, इतना बड़ा उसका स्पिन था। तो जो बाबा का ज्ञान या बाबा की जो बातें हमें मिलती है, वो हमें सदगति में ले जाने के निमित्त बनती है। और सदगति मतलब क्या? क्लॉकवाइज स्पिन। इससे क्या होता है, हम अपनी स्थिति का रोटेशन बदल देते हैं। जो दुर्गति में थे, अब सदगति में जाने लगते हैं। और जब सदगति में जाते हैं तो जो सूक्ष्मता हम में आती है, उससे हम वातावरण की, आत्माओं की, परमात्मा की, प्रकृति की सूक्ष्मता को रिसीव करने लग जाते हैं, हम चार्ज होते हैं। क्योंकि उन्होंने बताया था कि जब उनका एंटी क्लॉकवाइज, इस बुक में लिखा है, जब एंटी क्लॉकवाइज उनका चक्रा घूम रहा होता है तो वो प्रोजेक्ट करते हैं अपने अंदर के दर्द को, दूसरी आत्माओं के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे कि तुमने मुझे ऐसा कहा, तुम ब्लेम गेम खेलेंगे। लेकिन जैसे ही उनका स्पिन क्लॉकवाइज हो जाता है, वो अपने ट्रॉमा से फ्री हो जाती है, वो आत्मा इंटरनल हो जाती है, उसको समझ में आ रहा है, उसको प्रत्यक्ष दिखने लग जाता है कि किसी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, या मुझे ये करना चाहिए था, उनको ये करना चाहिए था। और हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव से बताते हैं कि वो आत्मा हर पल सही डायरेक्शन में जाना, जैसे बाबा बोलते हैं ना, अंत में तुमको टचिंग आएगी, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, वो हर चीज उसे समझ में आने लग जाती है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी बन जाती है। त्रिकालदर्शी बनने की विधि है जो हमारा स्वदर्शन चक्र है, जो कि क्लॉकवाइज है, जो कि आत्माओं को दुर्गति से सदगति में लाने का निमित्त है, वो हमें इंट्यूटिव बना देता है, वो हमें त्रिकालदर्शी बना देता है। और ये त्रिकालदर्शी बना हमेशा हमें बताएगा कि हमें कब क्या करना है, राइट? तो ये चीज इस बुक के द्वारा मुझे बहुत गहराई से समझ में आई। अनदर थिंग, कैसे आज के समय में साइंस के बीच में दो कहानियां हैं क्रिएशन को लेकर के, एक है डार्विन की थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी, जिसको तो हम मानते ही नहीं, और दूसरी है हमारी थ्योरी कि सब कुछ बना बनाया है, इटर्नल है, और भी बहुत सारी बातें। तो इसको समझने के लिए हम सभी एक गेम खेलेंगे। इस गेम के लिए आप लोग, मैं आशा करती हूँ आप लोग एक चार्ट पेपर, एक पेंसिल और एक स्केल के साथ बैठे होंगे, राइट? एवरीवन हैज इट। और इस गेम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे बीच में आए प्रियांश भाई। सभी लोग प्रियांश भाई का वेलकम करेंगे। प्रियांश भाई हमें हेल्प करेंगे इस गेम को सिमुलेट करने में। तो आई होप प्रियांश को हम को होस्ट अगर बना सकते हैं तो। प्रियांश, प्रियांश भाई अभी आईआईटी इंदौर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं और ये एल्गोरिथमिक सेवा थी, तो मैंने प्रियांश भाई से पूछा कि वो हमें सहयोग देंगे। तो प्रियांश भाई आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकें अगर तो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास में चार्ट पेपर है, हमारे पास में स्केल है और हमारे पास में पेंसिल है। मेरे हाथ में आपको दिख रहा है एक डाइस, राइट? जल्दी से अब हम इस गेम के लिए हमारे चार्ट पेपर में तीन डॉट्स बनाएंगे। किसी भी कोने पर आप ट्रायंगल के रूप में तीन डॉट्स बना लें, ओके? चार्ट पेपर लें, छोटा सा पेपर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियांश भाई आप इनको दिखाएंगे, इनकी तीन डॉट्स कैसी दिखनी चाहिए, तीनों वर्टिसेस, करेक्ट? देखिए प्रियांश भाई दिखा रहे हैं इस तरह से ट्रायंगल के तीन पॉइंट्स को। थैंक यू प्रियांश भैया, आप अपने चार्ट पेपर पे बना ले, वंडरफुल। अब तीनों डॉट के ऊपर
फर्स्ट डॉट जो आपको लेफ्ट में बॉटम में दिख रहा है, लेफ्ट में बॉटम में दिख रहा है, उस वाले पॉइंट पर आप ब्रैकेट बनाए नीचे और उस ब्रैकेट में लिखे 1, 2, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर में हमें प्रियांश भैया आप मेरे साथ साथ कर्सर को मूव करिएगा, टॉप का जो आपको पॉइंट दिख रहा है वहां ब्रैकेट में लिखे 3, 4। ओके, और राइट बॉटम में जो आपको दिख रहा है वहां पे लिखे 5, 6। ठीक है, तो गेम का नाम है केओस गेम। बहुत सिंपल गेम है, बहुत सिंपल काम करना है। आंखें बंद करिए और इन तीनों के बीच में आपको जहां पर भी पेंसिल रखने का मैंने वहां पे पेंसिल रख दीजिए, मतलब कि बेसिकली रैंडमली कोई एक पॉइंट चूज कर लीजिए इन तीनों पॉइंट्स के बीच में, कहीं पर भी हो सकता है वो इस एरिया में। तो अब जब हमने ये काम कर लिया, ओके, जब हमने ये काम कर लिया, जब हमने पॉइंट भी रख लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इस डाइस को रोल करेंगे। गेम के रूल्स में आपको बता देती हूँ, जैसे ही हम इस डाइस को रोल करेंगे तो इसमें से कोई वन में से लेकर कोई एक नंबर आएगा, 1 से लेकर 6 के बीच में एक नंबर डिस्प्ले होगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या आया। उस नंबर का जो वर्टिस पॉइंट है हमें लोकेट करना है। सपोज इस पर नंबर आया 4, 4 नंबर आया, अब 4 आपके कौन से पॉइंट पर लिखा है, टॉप वाले पे लिखा है, राइट, 3, 4 टॉप पे लिखा है। तो जो टॉप का पॉइंट है और जहां पर आपका पॉइंट है उन दोनों के को ज्वाइन करेंगे हम स्केल से और मिडिल में एक डॉट बना देंगे। समझ में आया आपको? सपोज इस पर आया 4 नंबर, अब 4 नंबर के हिसाब से हम जहां पर 4 लिखा है 3, 4 और जहां पर हमारा पॉइंट है उन दोनों को स्केल से ज्वाइन करेंगे, पेंसिल नहीं चलाएंगे सिर्फ स्केल से ज्वाइन करेंगे, और जो उन दोनों का मिडिल पॉइंट है उस मिडिल पॉइंट पे एक डॉट लगा देंगे, फाइन, जैसे कि प्रियांश भाई ने लगाई यहाँ पर डॉट मिडिल पॉइंट पे। तो ऐसे करके हम 3-4 बार ये काम करेंगे, फिर अब जो नया पॉइंट बना वो मेरा नया पॉइंट है। अब फिर से डाइस में जो रोल होगा उस रोल के हिसाब से जो नंबर आएगा उस नंबर के हिसाब से हम तीनों पॉइंट वर्टिसेस को चेक करेंगे किस पर वो नंबर लिखा है और उस पॉइंट और जो हमारा करंट पॉइंट है उसके बीच में मिडिल पॉइंट पर बिंदी लगाएंगे। डज दैट मेक सेंस? मैं साथ साथ में करूंगी आपके, तो आप लोगों को इजी समझ में आएगा, ठीक है? करें मेरे साथ में, चार्ट पेपर पे शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं डाइस रोल करती हूँ, हम लोग रेडी हो जाए। हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने रैंडमली चूज किया है, फर्स्ट पॉइंट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, फर्स्ट पॉइंट को हम रैंडमली चूज कर रहे हैं, वहां पर अपनी पेंसिल को रखे रहे। अब मैं डाइस रोल करती हूँ, डाइस पर आया 1 नंबर। अब 1 नंबर हमारा है टॉप, सॉरी लेफ्ट बॉटम में, लेफ्ट बॉटम पे 1 नंबर है और आपने जहां पर भी पॉइंट सेलेक्ट किया है उस पॉइंट और लेफ्ट 1 नंबर के ऊपर आप स्केल रखिए और जो मिडिल पॉइंट आ रहा है उस मिडिल पॉइंट को चूज कर दीजिए, वहां पे डॉट लगा दीजिए, ठीक है? सबका हुआ ऑल गुड, थम्स अप। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब नया पॉइंट हमें मिल गया, पहले वाला पॉइंट हमने रैंडमली शो किया था, रैंडमली बनाया था। अभी देखिए हमारे भाई ने यहाँ पर डाला है ना, 0 पर नंबर आया, इनका पॉइंट दिख रहा होगा आपको 0 पे, ठीक है, क्योंकि इनका फर्स्ट पॉइंट रैंडमली इन्होंने सेलेक्ट किया था। अभी दोबारा से डाइस रोल करते हैं, अब आया 2 नंबर आया। तो अब जहां पर हमारा पॉइंट है और जो 2 नंबर है उसके उस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, माना कि लेफ्ट बॉटम वाले पॉइंट और आपका जो करंट पॉइंट निकला था पिछले वाले से उसको ज्वाइन करेंगे और उसके बीच का मिडिल पॉइंट पर डॉट लगा देंगे। ओके, प्रियांश भाई दिखा रहे हैं ये वाला मिडिल पॉइंट, फाइन, ठीक है, दोबारा से करते। अब आया 6, तो 6 है हमारा राइट बॉटम का पॉइंट और अब आपका जो मिडिल पॉइंट निकला है अगेन उस पर स्केल रखेंगे और 6 पर स्केल रखेंगे और दोनों के बीच के मिडिल पॉइंट पर डॉट लगा देंगे। ये कराया जा रहा है ताकि हमें पता चले कितना रैंडम है एक डाइस को रोल करना और फिर एक पॉइंट मिला, कितना रैंडम है, राइट, ठीक है। चलिए हमने ये करके देखा, इसको आप अपने
बच्चों के साथ सबके साथ खेल सकते हैं, लेकिन इसका एंड प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ। प्रियांश भाई आप इसका एंड प्रोडक्ट बताएंगे। ऐसे न्यूमरस टाइम्स आप डाइस को रोल करते जाइए और जो पॉइंट मिलता है और जो उसका एंड पॉइंट, जो उसका सेलेक्टेड पॉइंट होता है डाइस के अकॉर्डिंग, उस पॉइंट को ज्वाइन करके इसके मिडिल पॉइंट पे जब हम बिंदी लगाते जाएंगे तो देखिए क्या बनकर आता है। देखा आपको, आप कुछ भी कर लो, कितना भी रैंडम ये डाइस का रोल हो, पर आपका एंड प्रोडक्ट हमेशा यही निकलेगा। इन गिवन ऑल अनसर्टेनिटी, ऑल अनप्रिडिक्टेबिलिटी, आपका एंड प्रोडक्ट यही है। इसका मतलब बाबा की रचना में, प्रकृति की रचना में, ड्रामा की रचना में रैंडम नाम की कोई चीज नहीं। हर एक चीज जो हो रही है वो होने के लिए, होने के पीछे हमेशा, उसके पीछे जो कारीगरी काम कर रही है वो कारीगरी हमेशा हमें यही बताती है कि कुछ भी रैंडम नहीं है। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग हैज अ पर्पस, हर एक चीज के पीछे एक कोई पैटर्न काम कर रहा है। कोई भी चीज खाली नहीं है, कोई भी चीज रैंडम नहीं, राइट? ऑल्दो हमने इतना रैंडम डाइस का रोल किया, इससे ज्यादा रैंडम कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्ट निकला वो रैंडम नहीं था, वो हमेशा कोई ना कोई एक सुंदर आकृति या सुंदर कॉन्सिक्वेंस है, राइट? तो ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि ये क्रिएशन है, डार्विन ने क्या कहा कि ये सब कुछ रैंडम है, रैंडमली दो चीज आकर के मिली, रैंडमली धरती बन गई, रैंडमली लोग क्या से क्या हो गए, उसने सारा अपना मॉडल रैंडम के ऊपर बनाया। पर आज के समय में साइंटिस्ट ये बात प्रूव कर रहे हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ ऑर्डर में है, और कोई ना कोई ऑर्डर वो फॉलो कर रहा है, कोई ना कोई पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है, यह हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक क्वेश्चन है। आप लोग सभी यूएस में बैठे हैं तो आपने यूएस का मैप तो देखा ही है। अब आप बताइए यूएस के मैप में, यूएस की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी लॉन्ग है, कितनी बड़ी होगी, बता सकते हैं आप? आप गूगल कर लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, देख करके मुझे एक नंबर बताइए कि यूएस की कोस्ट लाइन कितनी लंबी है। एक बहुत सुंदर जगत हम भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आप लोगों को इस कोस्ट लाइन के माइल्स, माना कि इस कोस्ट लाइन के डिस्टेंस की हिस्ट्री बताती हूँ। जब इसकी शुरू करा ये देखने के लिए कि ये कोस्ट लाइन कितना बड़ा है, सबसे पहला जवाब आया कांग्रेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बोला कि ये कोस्ट लाइन 12,383 माइल्स लंबी है। पहली जब उन्होंने रिसर्च करी तो ये जवाब आया। सेकेंड टाइम जब उन्होंने रिसर्च किया तो उसी कांग्रेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया कि इस कोस्ट लाइन की लेंथ 29,093 माइल्स है। ओके, उसी इंस्टीट्यूट ने। तीसरा बार जब हुआ तो CIA ने बताया कि इस कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो 18,924 है। और जब आपका नोवा जो फाइनल जो जवाब आपने बताया, उसने बोला कि इस कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो 94,471 माइल्स है। आई एम गेसिंग आपने ये जवाब दिया है। हाँ, करेक्ट। तो एक ही कोस्ट लाइन के चार जवाब कैसे हो सकते हैं? इतनी बड़ी गलती पहली बार में 12,000 से लास्ट टाइम में 94,000 तक चले गए। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? कैसे कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। आपके सामने कोई एक चीज रख दी गई, आपके सामने बोल दिया, अगर आप बताओ ये लैपटॉप कितना बड़ा है, आप बता देंगे कितना बड़ा है, ये फोन कितना बड़ा है, लेकिन जब मेजर करें तब इसका जवाब अलग आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम समझते हैं इसके पीछे का राज। इसके पीछे का राज है एक जगत जिसको हम कहते हैं फ्रैक्टल।
फ्रैक्टल में क्या होता है कि सपोज करो ये आपकी कोस्ट लाइन है जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये आपका, इसको दोबारा से शुरू करते हैं, ये आपका कोस्ट है ओके। अब इस कोस्ट के ऊपर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ट्राइंगल स्टार ऑफ डेविड दिख रहा है, उसके बाद में अब आप देखते जाएंगे कि फ्रैक्टल एक ऐसी चीज होती है जो सेल्फ रेप्लिकेट करती है और सेल्फ को बढ़ाती जाती है, रेप्लिकेट भी करती जाती है और बढ़ाती भी जाती है ओके। मतलब कि खुद के स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट कर रही है और बढ़ा रही है। तो जब आप देखोगे कि कोस्ट लाइन का जो दायरा है वो तो सेम है, लेकिन उसके अंदर फ्रैक्टल्स जो काम कर रहे हैं वो काम करने के कारण अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इंक्रीज होता जा रहा है और वो सेल्फ रेपिटेटिव है। जैसे कि आप कितना भी इसमें जूम करो, कितनी भी गहराई में जाओ, आपको वही पैटर्न बार 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 मिलता जाएगा। कितने भी गहराई से, कितना भी माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देखते जाओ, ये अनलिमिटेड है। ये तक कहा है साइंटिस्ट ने कि अगर आप स्केल नहीं डिटरमाइन करो, मतलब कि हम 5 किलोमीटर को 5 किलोमीटर के हिसाब से ही सब कुछ समझेंगे, मतलब मेरी स्केल जो है वो 5 किलोमीटर की है, अब मैं 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर के हिसाब से कोस्ट लाइन को सपोज करो मेजर कर रहा हूँ, ये उन्होंने स्केल डिटरमाइन किया। पर उन्होंने बोला अगर कोई स्केल ही नहीं है तो आप जितनी गहराई में देखते जाओगे ये एंडलेस है, और जितनी गहराई में जाओगे ये कोस्ट का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। मतलब कि इस जो कोस्ट लाइन है इसका नंबर इंक्रीज होते होते अगर आप मॉलिक्यूल लेवल पे देखोगे तो इनफाइनाइट नंबर आएगा। तो फाइनाइट स्पेस में इन्फिनिटी इस तरीके से एग्जिस्ट करती है, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्टल्स। और ये फ्रैक्टल आपको पूरी दुनिया में हर जगह दिखाई देंगे। आज आप क्या करिएगा, आपके पास में, मुझे नहीं पता सीजन है या नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में सीजन की फूल गोभी है तो आप उसको देखिएगा, या ब्रोकली है उसको देखिएगा, उसके ऊपर आपको फ्रैक्टल्स दिखाई देंगे। एक ही चीज बार 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 रिपीट हो रही है और उस रिपीटेड पैटर्न से ही वो पूरा ब्रोकली या पूरा फूल गोभी बन जाता है। और अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको पता चलेगा वो इनफाइनाइट है, जितना आप उसके अंदर जाते जाओगे आपको वही वही पैटर्न दोबारा दिखता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस पैटर्न को देखते जाइए, इस ये एक्चुअल में किया गया है, इसको जूम किया गया है और आप देखिए फिर यही पैटर्न इमर्ज हो रहा है, फिर उसको आप जूम करोगे फिर वही पैटर्न इमर्ज हो रहा है, फिर वही पैटर्न इमर्ज हो रहा है। इतनी डेप्थ है हमारे बाबा की रचना में, प्रकृति में, पूरे विश्व भर में, कि किसी भी चीज की गहराई में आप जाओगे आपको गहराई में और परतें और परतें और डिटेल और सुंदरता मिलती ही जाएगी। देर इज नो एंड। बाबा कहते हैं ना, इस दुनिया का छोर पाना, अंत पाना नामुमकिन है, क्योंकि अगर गहराई में वो बढ़ता जा रहा है तो हमने ये भी देखा है कि यूनिवर्स भी एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स की भी कोई लिमिट नहीं है, राइट, अनलिमिटेड है दोनों तरफ, दोनों तरफ इट्स ओपन। कितनी भी, जैसे नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर्स बढ़ सकते हैं और जीरो के नीचे भी इनफाइनाइट तक नंबर बढ़ सकता है, राइट तो उसी हिसाब से प्रकृति में भी कितना भी बड़ा बनाना चाहो, मैक्रो लेवल पे देखते जाओ गैलेक्सी स्टार्स और बढ़ता जाएगा, और कितना भी माइक्रो लेवल पे अंदर जाना चाहो उतना ही विस्तार आपको मिलता जाएगा। देखो अभी तक जूम हो रहा है, ये जूम है राइट। हाँ, बॉडी में भी हम ये बात देख सकते हैं, बॉडी में भी छोटा 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 मॉलिक्यूल्स के लेवल पे चले जाओ, फिर उसके भी लेवल, अंदर के लेवल पे चले जाओ, विस्तार ही विस्तार है। और ऊपर भी देखो कितनी सारे, एक जना होता है, एक से दो जन होते हैं, दो से घर बनता है, घर से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से एक स्टेट बनता है, सिटी बनता है, स्टेट बनता है, कंट्री बनता है, देखो कितना मिल्की वे बनता है, मिल्की वे जैसी कितनी सारी गैलेक्सीज, पूरा यूनिवर्स बनता है, तो उसका कोई अंत नहीं है। तो अब अगर इस, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर हम इस साकारी सृष्टि का अंत नहीं पा सकते, राइट, इसका कोई अंत नहीं है, अगर हम नहीं पा सकते तो क्वेश्चन है परम धाम कहाँ है? परम धाम है ना, कोई चीज तो है परम धाम, कोई जगह तो है, लेकिन इस साकारी सृष्टि का तो कोई अंत ही नहीं है, बेअंत है, तो परम धाम कहाँ है?
हम क्या करेंगे, एक गाय की तरह इस बात को उभारेंगे, इस मंथन के पॉइंट को चर्न करेंगे कि अगर साकारी सृष्टि का कोई अंत नहीं है तो परम धाम कहाँ है? क्या वो मनगढ़ंत है, क्या सिर्फ मेरे दिमाग में है, अंधश्रद्धा है? वेयर डज इट एग्जिस्ट? क्योंकि हमें वाणी से परे, इस दुनिया से परे हमें जाना है। इस दुनिया को ना समझेंगे, उस जहां जाना है उस जगह को नहीं समझेंगे तो वहां पहुंचेंगे कैसे? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कहीं यही बात ना रह जाए कि क्या पता है या नहीं है। अगर अनुभव नहीं कर पाए, सिर्फ विजुअलाइज किया है, जैसा टीवी में दिख रहा है वैसा देखा है, शिव बाबा को वैसा देखा है, परम धाम को, सिर्फ अगर यही किया है तो कहीं अनुभव की कमी ना रह जाए और डाउट ना रह जाए कि परम धाम है या नहीं है, बाबा है तो कैसा है, सिर्फ वही जो टीवी में दिखाया है या सच में है, राइट? तो आइए, आई नो हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा हैवी हो गया हो, बिकॉज साइंस है, नई चीज है, कोशिश पूरी की है कि आपको बता सके। तो अब हम थोड़ा सा इसी पर मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट्स के लिए। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैं आत्मा, अपनी सारी उलझनों, सारे संकल्प, सारे विस्तार को लेकर शिव बाबा के सामने बैठी, और शिव बाबा से आज एक जिज्ञासु का, क्यूरियस बीइंग का रिश्ता जोड़ रही, बाबा आपकी कितनी गहराई है, आपकी बातों में कितनी गहराई है, मैं उसे समझने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार, बाबा के सामने अपनी हर एक उलझन को रखते, हर एक रिडल को रखने, और वो लाइट पॉइंट जो बाबा से निरंतर आ रही है लेकिन कभी मैं देख पाऊं कभी नहीं देख पाऊं, उस लाइट पॉइंट को अपनी बुद्धि से अनुभव करें, अभी तक समझा कि इन आंखों से नहीं दिख पाने वाला जगत
कितना विचित्र और विस्मयी है, आश्चर्यों से भरा है। तो आज मैं आत्मा स्टूडेंट बन बाबा के आगे स्वयं को समर्पित कर रही हूं। अपने आप को ओपन कर रही हूं टू रिसीव एक फूल की तरह। I am receiving. स्वयं को इस बात का निश्चय दिलाएंगे, मैं देख नहीं पा रही हूं पर बाबा का चमत्कार मुझ पर हो रहा है, जो अनसीन है, इनविजिबल है, वो मुझ पर काम कर रहा है। वो मुझे बदल रहा है। फील करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये कर्तव्य हो रहा है। वो लाइट वाइट से भरा, बाबा की वाइब्रेशन से चार्ज्ड सकाश मुझ पर गिर रहा है। मुझे बदल रहा है। All I need to do is be open and be accepting. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति दीदी, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू बाबा। मेरा क्वेश्चन है कि जब बाबा ही सब करावनहार करा रहा है, हमें जो परिवर्तित कर रहा है, तो हम तो कर कुछ नहीं कर रहे, राइट? ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये हमें अपने को स्व परिवर्तन करने की, लेकिन जैसे अभी आपने प्रिंसिपल बताया, इट इज इटर्नल, इट इज ऑन गोइंग, इट इज साइक्लिक, इट गोज ऑन इट्स ऑटो मोड, एंड परिस्थितियां हम पर फेंकाती रहती है और हम उसको चैलेंज समझ के कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बाबा करा रहा है, तो हम तो परिवर्तित अपने को कर ही नहीं रहे हैं, ये तो ऑटो मोड पे ही चल रहा है ना, क्योंकि हमने पहले भी किया था और अभी भी कर रहे हैं, तो ये मुझे पैटर्न इसकी डेप्थ समझते हुए तो वैसा ही लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, बेसिकली इतना हम मेहनत कर रहे हैं ऐसा लगता है लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप। थैंक यू। एक्चुअली कुछ नहीं करना यही हमें सीखना है, हमें कुछ नहीं करना नहीं आता है, हमें आता है कुछ करना। बाबा क्या कहते हैं, जहां आत्मा है उसकी प्रेजेंस में सब कुछ होता रहता है। राजा कभी कुछ करता नहीं, राजा करवाता है, लेकिन हम राजा रहे नहीं है ना, हमें आदत बन गई है सर्वेंट बने रहने की, करने की। तो बाबा का जो भी पुरुषार्थ है
वो एक्चुअली हमें कुछ नहीं करना सिखाता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना नहीं आता। अब हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करें, सोते रहें, तो कुछ नहीं करना नहीं है। कुछ नहीं करने की जो स्थिति है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूं तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही हूं पर सब कुछ मेरे नहीं करने से अपने आप हो रहा है, मेरी प्रेजेंस में हो रहा है। मैं काम नहीं कर रही, मेरी सर्व शक्तियां काम कर रही है, हमें वो नहीं आता। जैसे आज आप मान लो आपके हाथ में बहुत बड़ी सी चोट आ गई, ओके। अब आप इस चोट को साफ कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, कैसे लग गया, क्या हो गया, अभी मुझे इसको बैंडेज करना पड़ेगा, अभी ये करना वो पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देर आर ऑल द थॉट्स गोइंग ऑन कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि बॉडी स्वयं को हील करना जानती है, लेकिन नहीं, मुझे करना है, मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इसका ध्यान रखना है, मुझे सब काम करना है, मुझे ये भी करना होता है, मुझे वो भी करना होता है, मुझे सब करना होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बोझ दे दो, बेफिक्र बादशाह बनो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना। बाबा जो हमें बनाते हैं, हमें अधिकारी बनाते हैं, वो स्टेट एकदम अलग है जहां मेरे होने से काम हो जाता है। आई एम वाइब्रेटिंग दैट फ्रीक्वेंसी, मैं हर पल वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही हूँ, जिससे हर एक आत्मा को पता चल रहा है कि उसको क्या करना है, या हर एक शक्ति को पता चल रहा है उसे क्या करना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब चुप रहना है। मुझे मेरी शक्तियां अपने आप बता रही है, गाइड कर रही है, एंड आई एम डूइंग इट। लेकिन आज के समय में मेरी शक्तियां मेरे विरोध में, किसकी सुन रही है? माया की सुन रही है, मेरी नहीं सुन रही है। तो पहले उन शक्तियों को ठीक करना बाबा की लाइफ माइंड से, जो भी एक प्रोसेस है, बट इवेंचुअली जो बनना है वो यही है कि मुझे कुछ नहीं करना है। सत्युग में निरंतर आराम होता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता वो दिन भर सोते रहते। अभी हम आराम बोले तो बुद्धि में क्या आता है? बेड पे सो जाना। ये आराम नहीं है, स्थिति आराम की है, लेकिन विश्व पूरा चमक रहा है, बैलेंस में हर पल काम कर रहा है, एक्यूरेटली काम कर रहा है, लेकिन मैं आराम में। इसलिए ये वर्ड है बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र गरीब वर्ड नहीं है, बादशाह है हम, सर्व शक्तियां हमारी बात सुन रही है, लेकिन बेफिक्र है, जो होना है वो हो रहा है। बाबा ने बोली में कहा है, आप, मैं आपको वो बोली पोस्ट करूंगी, बाबा ने बात कही है, दादियों से मुलाकात बाबा ने बात कही कि अभी ये सोचते हो ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक समय आएगा जब आप ही कहोगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। अब निश्चिंत का मतलब ये नहीं है कि दादियां सोती रहती थी, नहीं, लेकिन उनको शक्तियां बताती थी, उनको इशारे बताते थे, इंट्यूशन बताता था, ये बोलना है, इतना बोलना है। तो नहीं करना ही हमारा पुरुषार्थ है, बिकॉज वी आर राइट नाउ ओवर इन्वॉल्व्ड इन थिंग्स। उसमें बाबा बोलते ना चटके पड़े एक दूसरे, उसको तोड़कर, उस अटैचमेंट को खत्म करके बाबा हम सबको अपनी उच्चतम स्थिति, जहां पर मेरे होने से कार्य हो रहा है, उस स्थिति में लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली विद एक्सपेरिमेंट, जो हमने यहाँ पे दो तीन बातें पुरुषार्थ की बताई, और गहराई में आप ये बात समझते जाएंगे, मेरे राइट इंटेंशन, राइट संकल्प आज तो हमें रखने पड़ रहे ना, क्योंकि गलत डले हुए हैं, ठीक है, लेकिन जब एकदम एक्यूरेट हो जाएंगे तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, अपने आप ऑरा वाइब्रेशन अपना काम करा लेगा। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा।